दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक नए उमंग और नए जोश के साथ फिर से एक बार एक बेहतरीन श्रृंखला आपके बीच में चलने जा रही है। आप सभी को पता है आपका प्रथम सेमेस्टर का जो एग्जाम है फाइनली वो बीत चुका है। अब आप देखा जाए तो सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। जब से आप सेकंड सेमेस्टर में प्रवेश किए हैं तब से आपके एक ही मैसेज आ रहे हैं, आपके मेरे पास कॉल्स भी आए कि भैया सेकंड सेमेस्टर की क्लासें कब से शुरू होंगे। तो बिल्कुल आज से वह मुहिम हम आपके बीच में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी चीज की जो है लगातार हम भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भैया डिजिटल बोर्ड आ जाए तो उस पर आपकी बेहतरीन श्रृंखला प्रोवाइड की जाए। तो फाइनली आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से डिजिटल पैनल लग चुका है जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। आप सभी के लिए आज से आपके जो भी कोर्सेस हैं सेकंड सेमेस्टर के वो यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगा, पहले तो आप ये पूछते थे कि भैया हमें कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही। अब मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कोई चीजें ऐसी होंगी जो नहीं दिखाई दे रही होंगी। बाकी अगर कुछ है ऐसा तो बिल्कुल आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर त्रुटियां होती हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, मैंने एक चीज सोच रखा है, आप इसका फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। मैंने सोचा है कि जो आपकी बुकें हैं उसी चीज को पूरा यहां प्रोवाइड कर दिया जाए, चाहे वो साहित्य प्रकाशन हो। हम एक जो सबसे बेहतर प्रकाशन मानी जाती है वो साहित्य होती है, ठीक है? तो मैंने सोचा है साहित्य प्रकाशन की एक एक चैप्टर को यहां पर, पूरी बुक को ही यहां पर, जैसे यहां देख सकते हैं ये हमने अलग से कहीं, मेरे पास अभी टाइप कराने की सुविधाएं नहीं है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द देखिए जो चीजें हो वो आपके बीच में रख दी जाए, ठीक है? अभी हम कह दें कि नहीं हम चल रहे हैं टाइप करवाएंगे, अभी दोस्त मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है, ठीक है? उस सुविधा के अभाव में मैंने सोचा है कि आपके बीच में जो आपकी बुक है उसका टोटल पीडीएफ से ही हम आपको पढ़ा दें। एक-एक वर्ड जैसे यहां आपके बीच में दिया जा रहा है सेम वही चीजें हम आपके बीच में रख दें, ठीक है? तो यही चीज मैंने सोचा है, बट इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, आप उस चीज के बारे में मुझे थोड़ा सा जरूर बता दीजिएगा कि क्या अगर बुक के टोटल कंटेंट यहां रखे जाएं और एक-एक लाइन को हम डिफाइन करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, आप मुझे इस चीज को बता दीजिएगा, ठीक है? बाकी अगर आपको लगेगा कि यहां से दी गई चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? चलिए देखिए यहां पर सबसे जो है ऊपर दिया जा रहा है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है? हमने आपके बीच में एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस का निर्धारण इस वीडियो के माध्यम से करने चल रहे हैं। मैं बार बार आपसे पूछता हूं कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। यहां से दी जाने वाली चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबसे पहले यहां देख सकते हैं आपके बीच में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि एजुकेशन जो है मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, अभी यहां पर अगला पेपर भी आपके बीच में नीचे लगा है, तो देख सकते हैं कक्षा शिक्षण विषय वस्तु, ठीक है? भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जब आप कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं या किसी भी सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जैसे एक आपके यहाँ भैंस होगी, ये आपका एक खूंटा हो गया, ठीक है? और उसकी रस्सी ये बंधी होती है और जो भैंस आपकी होती है इसी के इर्द गिर्द में टहलती है, तो आपका सेम वही चीजें जो होती हैं जो है, जैसे खूंटे में एक भंसी बैल, वो अपने जितना बड़ा उसका रस्सी होती है उसी के इर्द गिर्द में टहलता है। तो सिलेबस भी वही चीज का निर्धारण करता है कि जितना सिलेबस रहे आप उतनी चीजों को पढ़िए, बाकी चीजों को आप नजरअंदाज कर दीजिए, ठीक है? अभी आपको आगे बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन कम से कम आप डीएलएड के तो क्लियर करिए। आप देख सकते हैं आपका प्रथम सेमेस्टर बीता होगा, किस तरह से जो है डीएलएड में कितनी मारा मारी रहती है, एक एक नंबर की दरकरार होती है, इस चीज के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है? तो बहरहाल चलिए हम एक ही चीजों पर सबसे ऊपर देख सकते हैं खंड का प्रारंभिक शिक्षा देख सकते हैं कहा जा रहा। देखिए एक चीज और, ये जो सिलेबस है बिल्कुल हम एक सतही तरीके से आपको बताएंगे ताकि आप थोड़ा सा परिचित हो जाएं।
जब इसके अंदर जो दी जाने वाली कंटेंट होंगी जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो पूरा डीपली हम आपको बताएंगे, एक एक लाइन का निर्धारण करेंगे क्या है कैसे है, आपको कहीं किसी भी चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बहरहाल चलिए, कहा जा रहा है शिक्षा की संकल्पना अर्थ प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। ठीक है, अब यहां कहा जा रहा है शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की संकल्पना एवं अर्थ। जैसे अगर पूछा जाए शिक्षा का अर्थ क्या होगा, इसकी संकल्पना क्या हो सकती है, ठीक है, आपके मन में जरूर आ रहा होगा, भाई कुछ लोग सिलेबस से परिचित हो गए होंगे, थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें भी इस चीज का इंतजार था, है ना। तो बहरहाल आपको परेशान नहीं होना है, हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे समय रहते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहां कहा जा रहा है शिक्षा की संकल्पना, अभी इसके बारे में इसके डीपली नॉलेज को जानने के लिए आप इच्छुक जरूर हुए होंगे, बट आपको परेशान नहीं होना, हम आपको बताएंगे एक एक चीजों के बारे में। सबसे पहले आप इस चीज के बारे में समझ लीजिए कि शिक्षा की संकल्पना क्या है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, प्राचीन और अर्वाचीन क्या होते हैं और इसके महत्व क्या हो सकते हैं, ये आपके जो है पहले चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत और भी चैप्टर आएंगे, अभी आप देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है शिक्षा के जो है ध्यान दीजिएगा एक, अच्छा यहां आप जरूर इतना मुझसे कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है इसके बारे में भी आप मुझे बताते हुए चलिएगा, बट मैंने आपको बताया आप परेशान ना होइए भैया, हम आपको हर चीज बताएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान, ठीक है, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप यहां जरूर पूछना चाहेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ठीक है, और वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को, जैसे वर्तमान भारत है यहां पर शिक्षा के जो आप उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, ठीक है, उस उद्देश्य को क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती हैं, ये आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा शिक्षा के प्रकार, ध्यान दीजिएगा शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यहां कहा जा रहा है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, दूसरा आपसे कहा जा रहा है दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा आपने देखा होगा वैसे किसी किसी कॉलेज में एक पहले हुआ करता था NIOS DLED, ठीक है, लोग घर बैठे DLED की डिग्री प्राप्त कर लेते थे, लेकिन वो आपकी डिग्री में और उनकी डिग्री में बड़ा अंतर होता है, जो आप DLED कर रहे हैं हालांकि चीजें वही होती थी लेकिन उनमें और आप में बड़ा अंतर होता था। ठीक है, अब आगे देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में बिल्कुल डीपली नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्या देखिए, अब दूसरा आ रहा है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है। ठीक है, क्या चीज, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, अब प्राचीन काल में गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा क्या होती, जब प्राचीन काल चल रहा था तो उस समय हमारे यहां गुरुकुल चला करते थे। ठीक है, गुरुकुल में होता क्या था कि बच्चों को ठूस ठूस कर नॉलेज भरा जाता था, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता था तो भी वो अपने गुरु के डर से पढ़ा करता था, यानी उस समय की जो शिक्षा हमारी हुई करती थी वो शिक्षा हमारी कहा जाए तो वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, यानी शिक्षक जिस तरह से चाहता था उस तरह से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करता था, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते थे तो वो डंडे से मारकर पढ़ाता था, आपको पढ़ना है तो पढ़ना, लेकिन आज की शिक्षा हमारी वो नहीं है, आज की जो शिक्षा हमारी है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, यानी अगर बालक पढ़ना चाहता है तो पढ़े अन्यथा की स्थिति में छोड़ दीजिए, अरे छोड़ने का मतलब एकदम से ना छोड़िए, ठीक है, आप उसे थोड़ा सा खेलने कूदने का मौका दे दीजिए, बालक को मारेंगे तो NCF 2005 उसका विरोध करता है, ठीक है, और आप दंड के भागी भी हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को मारना है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए आपको शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगला कहा जा रहा है मध्यकालीन शिक्षा और मुगलकालीन शिक्षा, मध्यकालीन में शिक्षा किस प्रकार से होती है और मुगलकालीन शिक्षा किस प्रकार से हुआ करती है, इसके बारे में भी आपको जानना है। ठीक है, अगला आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा जो है अगला अगर हम कहें तो देखिए कहा जा रहा है जो है चलिए ये हो गया, हाँ ये तो हो गया। ठीक है,
आधुनिक शिक्षा, अच्छा यहां ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा क्या है और मुगलकालीन शिक्षा क्या है, बट आपको परेशान नहीं होना, हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगला कहा जा रहा है आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जो वर्तमान समय में शिक्षा हमारी चल रही है, और स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात कैसे शिक्षा हमारी चलती थी, यानी स्वतंत्रता के पूर्व कैसी शिक्षा थी और स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा कैसी है, ये तो आज के समय में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले के बारे में आप नहीं जानते होंगे, यहां पर आपको इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है जो है प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, ठीक है, प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। अब यहां देख लीजिए, ये आपका पहला है आदर्शवाद हो गया, दूसरा आपका प्रकृतिवाद है, तीसरा आपका प्रयोजनवाद है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको जानना है कि आखिरकार ये आपका जो आदर्शवाद है वो क्या होता है, अगला आपका है प्रकृतिवाद क्या होता है और प्रयोजनवाद क्या होता है। ये तीनों अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए तो उसमें पूछा गया है, ठीक है। अब यहां भारतीय विचारक, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम भारतीय विचारक की बात करें तो देख लीजिएगा, भारतीय विचारक में दिया जा रहा है, स्पष्ट तौर से समझने का प्रयास करिएगा, देखिए कहां गए, हाँ भारतीय विचारक, यहां देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पढ़ना, इनका पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तीसरा है महात्मा गांधी और डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में आपको पढ़ना है, और गीजू भाई वधेका के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सब अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसमें किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये महोदय महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कतई इस पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, जो है रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़िए, या महात्मा गांधी को पढ़िए, या डॉक्टर राधाकृष्णन को पढ़िए, या गिजुभाई वदेका को पढ़िए, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि आप पर्सनल इन्हीं के बारे में पढ़िए, ठीक है। इसलिए आपको सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सबके बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है। बाकी आप परीक्षा में किस प्रकार से लिखेंगे वो तो समय आने पर हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां देखिए, ये तो भारतीय विचारक हैं, अगला आपका है पाश्चात्य विचारक कौन कौन से हैं। देखिए कहा जा रहा है प्लेटो के बारे में आपने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूसो के बारे में आपने पढ़ा होगा, जॉन डीवी हो गए, फ्रॉवेल हो गए, मारिया मॉन्टेसरी हो गई, ठीक है, इन सभी के बारे में। एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, और इधर कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार, पांच, यानी दस लोगों के पूरे संपूर्ण जीवन को आपको जानना है, ठीक है। इनके बारे में जो भी डिटेल्स हो पाएंगे हम आपको बताएंगे, आप कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको भी हम आपके बीच में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, खंड ख आपके बीच में आ रहा है, शिक्षा और समाज, है ना। कहा जा रहा है शिक्षा और समाज के अंतर्गत क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा और समाज के अंतर्गत अगर हम कहें आपसे शिक्षा और समाज का अंतः संबंध क्या है, यानी जो शिक्षा हमारी है और समाज हमारा है, इसके अंतः संबंध कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। अगला है शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सॉरी हम अगर कहें शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहां देखिए पहला पॉइंट आपके बीच में दिया जा रहा है, पहला दिया जा रहा है परिवार। जैसे थोड़ा सा अगर आप इस पर फोकस करें तो आपके परिवार में जो चीजें, जैसे आपका परिवार अगर बेहतर तरीके से चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में पलने वाला वो बच्चा भी बेहतर होगा। मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे एक छोटा सा बालक है, आप देखते होंगे, आप जब एजुकेशन फर्स्ट पेपर प्रथम सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको पूरा विस्तृत नॉलेज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सतही तरीके से पढ़े होंगे तो यहां पर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये यूपी टेट सीटेट एस्टेट तक आपको लेकर जाएगा, ठीक है। तो आप क्यों ना अभी से पढ़ लीजिए। तो कहा जा रहा है कि परिवार, अगर शिक्षा के प्रभावी कारक के अंतर्गत परिवार को रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि अगर आपके परिवार में रोज कलह हो रही है तो बच्चा भी कलह करना सीख लेगा। आपके घर का एनवायरमेंट अच्छा है तो बच्चा भी
उसी एनवायरनमेंट में ढल जाएगा, उसका जो देख रेख पालन पोषण, यानी मीन्स एक शब्द में कहा जाए तो उसके पालन पोषण पर संपूर्ण चीजें निर्भर करती हैं। अगर उसका पालन पोषण बेहतर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी जो चीजें सीखेगा वो बिल्कुल सही सीखेगा। अगर पालन पोषण गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि आप इंतजार करिएगा, एक एक चीजों को हम कवर करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप इंतजार करिए। अगला कहा जा रहा है समाज, आपका समाज जैसा होगा बच्चा उसी तरह से रहेगा, ठीक है। आपका समाज गंदा है तो बच्चा गंदा होगा, ये क्लियर है 100%। अगर आपका समाज रहन सहन ठीक है तो 100% आपके घर में पलने वाला वो बच्चा बिल्कुल जायज है कि वो सही होगा, ठीक है। विद्यालय, भाई आज के समय में ऐसे ही कोई पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को सोचते होंगे कि हमारे घर में पलने वाला वो बच्चा जो है किसी गड़बड़ विद्यालय में जाए, कोई नहीं सोचता है। हर कोई सोचता है घर की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हर कोई सोचता है कि हमारा बच्चा जो है एक बेहतर विद्यालय में शिक्षा प्रदान करे। लेकिन इसके पीछे सबसे प्रमुख चीजें होती हैं मने की, यानी पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो बेहतर जाएगा, नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो है समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के समय में देखा होगा कि प्राइमरी का जो क्रेज है वो किस तरह से गिरा हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है, ठीक है। आप नौकरी करना तो चाहते हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम नौकरी करें, प्राथमिक विद्यालय में टीचर बने, लेकिन आपके घर का पढ़ने वाला वो बच्चा आप नहीं चाहते हैं कि वो प्राइमरी में जाए पढ़ने के लिए, ठीक है। जब तक हम आप नहीं सुधरेंगे तब तक हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है। तो विद्यालय भी अच्छा होना चाहिए, राज्य एवं जनसंचार का साधन भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, यानी समाज में आप परिवर्तन जो है कौन से कारक के माध्यम से कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में है जो है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि विद्यालय एवं समुदाय का संबंध विद्यालय समुदाय केंद्र के रूप में जो है, ठीक है। विद्यालय एवं समुदाय का संबंध किस प्रकार से है, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। अगला है, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं जो है शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण। आज के समय में जो हमारी शिक्षा है, हर कोई ये नहीं चाहता है कि हम किसी चीज के बारे में विस्तृत नॉलेज रखें, कोई नॉलेज के लिए यार नहीं पढ़ता है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि पढ़ने के बाद हम चलें पैसा कमाएं, ठीक है, सबका यही उद्देश्य है। और आज के समय में देखा जाए तो सब पैसा तो भाई सबसे प्रमुख चीज है ही, लेकिन यहां कहा जा रहा है शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, ये तो होगी, ठीक है। कहा जा रहा है शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं शिक्षा पर नियंत्रण, ठीक है। इसके जो व्यवसायीकरण है इस पर नियंत्रण करने की बातें कही जा रही है। अगला कहा जा रहा है बचपन छीनता जो है बालक, ठीक है, यानी बचपन छीनता बालक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा, हर चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला आपके बीच में आ रहा, देख सकते हैं जो है, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या का अर्थ, ठीक है। अब यहां आपसे कहा जा रहा है, ये मुझे लगता है कि दूसरा पेपर है, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, नहीं ये वही है, ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। चलिए हाँ आगे आपका ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा जा रहा है जनसंख्या शिक्षा, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या होगा, इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व एवं जो है महत्व एवं कहा जा रहा है कि समयानुरूप मानव संसाधन का विकास, ठीक है। अब जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या हो सकता है, आखिरकार जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्या पड़ी, इसका महत्व क्या हो सकता है, इसके अंदर जो और भी चीजें हैं उसके बारे में आपको जानना है।
अब यहां देखिए एक चीज आ रहा है, जातिवाद। आज के समय में ये बड़ा प्रमुख मुद्दा है, लोग जातिवाद को लेकर परेशान हैं। ठीक है, अलगाववाद क्या है, अगला कहा जा रहा है, जातिवाद, अलगाव, चलिए आपके बीच में देख सकते हैं अगला कहा जा रहा है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना है। हालांकि अगर देखा जाए तो एजुकेशन, ठीक है, लेकिन यहां देख सकते हैं किस तरह से पर्यावरण के बारे में भी पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन के बारे में भी पढ़ना है। ये सारी चीजें आपके जो है जियोग्राफी के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन जो चीजें सिलेबस में है उसका निर्धारण तो मुझे करना ही करना हर हाल में है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा यार, सारी चीजें बहुत आसान से शब्दों में हम आपको बताएंगे। ठीक है, भले ही आपके बुक के कंटेंट सारे होंगे लेकिन चीजें हमारी होंगी। ठीक है, हम आपको समझाएंगे, उम्मीद हम जरूर आपसे करेंगे कि आज का जो यह वीडियो है आप सभी को पसंद जरूर आता होगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार ये जरूर कहता हूं कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। बाकी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके बारे में भी हम लगातार आपसे पूछने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण क्या होता है। ठीक है, ये भूमंडलीकरण के अंतर्गत भी हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्या चीज भूमंडलीकरण क्या होता है, जैसा कि यहां देख सकते हैं आपके बीच में स्पष्ट तौर पर दिया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा भूमंडलीकरण क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगला कहा जा रहा है लैंगिक असमानता। ठीक है, अच्छा यह देखा जाए तो थोड़ा सा लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ एवं जो है संवेदनशीलता का विकास। ठीक है, यह थोड़ा सा बात किया जाए तो बिल्कुल बेहतर टॉपिक है, लैंगिक समानता के प्रति किस तरह से हम जागरूक लोगों को करेंगे, संवेदनशीलता जैसे यहां दिया जा रहा है, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव किस तरह से हमारे समाज पर पड़ रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानना है। अगला कहा जा रहा है जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इसका बहुआयामी जो है प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आपको जानना है। आज के समय में एक छोटा सा बालक है उसको भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा आज के समय में जो माताएं बहनें होती हैं, ठीक है, बच्चा जब भी रोता है तो उससे क्या करते हैं कि मोबाइल दे देती हैं, बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाती हैं कि जो हम उन्हें दे रहे हैं उनकी लत को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए चीजें गड़बड़ है।
तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। बच्चों को खासकर मोबाइल की लत तो ना ही लगाएं तो बेहतर है, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। अगला कहा जा रहा है, शिक्षा एवं मानवीय मूल्य क्या है, इसके बारे में आपको देखना है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, मानवीय मूल्यों का शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, जो है मानवीय मूल्यों की शिक्षा, ठीक है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं जो है स्व उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसके इसके बारे में आपको देखना है। अगला कहा जा रहा है, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या हो सकती है, ठीक है। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या हो सकती है, इसको भी आपको देखना है। अगला क्या है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का, सद्भावना की शिक्षा, ठीक है। और लास्ट मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक जो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास क्या हो सकता है, ये फाइनली आपको यहां तक देखना है, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये भी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम आपका कौन सा है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत अगर हम देखें तो आप यहां कह सकते हैं कि कक्षा शिक्षण विषय वस्तु, यानी इसके सिलेबस के बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी तो आपका चल रहा था कि वर्तमान भारतीय समाज, ठीक है। अब दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, अब यहां कहा जा रहा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु जो है संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं क्या हो सकती हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है। अब थोड़ा सा यहां आपको संविधान के बारे में पढ़ना है, संविधान के अनुच्छेद 21A में क्या रखा है। अगला है उसी के अंतर्गत 21 से आप देख पा रहे हैं, जो है 29(2) एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियां क्या हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। काफी अपर लेवल तक ही आपके सफर को तय कराएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, एक एक चीजों को हम डिसाइड करेंगे। मैं इसीलिए सोचकर रखा हूं कि अगर आपके बुक के टोटल कंटेंट को दिया जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, ठीक है। बाकी आपके अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो गए उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए अगला कहा जा रहा है, बच्चों का अधिकार यानी बाल अधिकार। अभी आपने उस जो है वर्तमान भारतीय समाज में देखा कि बाल अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है, बट उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है जो है कहाँ गया, बच्चों के अधिकार, ठीक है, यानी बाल अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है, यानी एक छोटा सा बालक जो होता है उसका क्या अधिकार हो सकता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में है, देखिएगा कहा जा रहा है, दूसरा अगर हम कहें निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यानी RTE 2009 की बात, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है, क्योंकि ये हमेशा जब जब भी आपका एग्जाम होता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो एसटेट हो, सॉरी, चाहे वो टेट यूपी टेट हो, हमेशा आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं RTE 2009 से, ठीक है, तो उसको भी आपको पढ़ने की जरूरत है और इसे हम बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ाएंगे। दूसरा कहा जा रहा है, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोगों की समितियां कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, यानी इसमें तमाम समितियां हैं, इसके अंतर्गत देखिए कहा जा रहा है स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी आपको पढ़ना है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लॉर्ड मैकाले अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के बारे में आपको देखना है। अगला कहा जा रहा है कि वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, हंटर आयोग पढ़ना है, ऑकलैंड की शिक्षा नीति, ऑकलैंड एवं कर्जन की योजना के बारे में पढ़ना या योगदान के बारे में पढ़ना है इनके, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला आपका आता है कर्जन, सॉरी, ऑकलैंड एवं कर्जन के योगदान के बाद आप देख सकते हैं आ रहा है आपका कोठारी आयोग, ठीक है, आपसे एक नंबर में पूछा जाता है और तमाम बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि आपका जो कोठारी आयोग है यह कब आया था, ठीक है, डायरेक्टली एक नंबर में पूछा जा सकता है। और देखा जाता है
कि आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जो नहीं बनते हैं 14-15 नंबर के, तो उसमें अधिकतर ये कोठारी आयोग पूछता है, ठीक है। इसलिए कब आया था इसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ठीक है, ये दोनों आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी 1986 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आया था, तो आप कहेंगे 1992 में आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, ठीक है। ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। एसपाल समिति का गठन कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसे हम एनसीएफ भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम एनसीएफ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। या अगर आपको इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, अगर एनसीएफ का पूरा नाम आ रहा है देने के लिए या लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है। वैसे कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश वर्जन का ही यूज करें, ठीक है, क्योंकि जहां जो चीजें मांगते हैं वही चीजें अगर आप देते हैं तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, ठीक है। और भी हिंदी वर्जन तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला आपका रहा शिक्षक शिक्षा है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 जिसे हम एनसीटीई कह सकते हैं, कह क्या सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया एनसीटीई के बारे में। एनसीएफटीई के बारे में आपको पढ़ना है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा आपका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ये चीजें आपको अपने यूपी के बारे में ही पढ़नी है, जो कि यहां देख सकते हैं आपके बीच मस्त तरीके से ये दिया गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है, ये बखूबी आपको पढ़ना है, चूंकि ये चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका है, जैसा कि नीचे दिया जा रहा है, देखिएगा जो है कहा जा रहा है आपके बीच में कि प्राथमिक शिक्षकों की विशेष जो है अनुस्थापना कार्यक्रम, ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों के विशेष अनुस्थापना कार्यक्रम, इसके बारे में भी एसओपीटी के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक शिक्षा परियोजना ये भी आपको पढ़ना है, जिसे हम बीईपी कहते हैं, ठीक है। और अंततः दिया जा रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय, जिसे हम डीपीईपी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे छोटे 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 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बहुत बड़ी चीजें तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। कहा जा रहा है विद्यालय शिक्षा की तैयारी, ठीक है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, है ना, विद्यालय शिक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे, एक छोटा सा बालक है वो किस प्रकार से विद्यालय जाता है। अगला कहा जा रहा है संपूर्ण साक्षरता अभियान, ठीक है, आज के समय में देखा जाए तो अधिकतर जो बहुत शिक्षा से पिछड़े क्षेत्र या समाज से पिछड़े लोग होते हैं वही निरक्षर होते हैं, अन्यथा की स्थिति में सरकार का भी ये प्रयास है कि हर कोई साक्षर हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना होगा बिल्कुल हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहा जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का सिंबल अगर आपने नहीं देखा होगा तो भाई जब आप प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग के लिए गए होंगे तो यहाँ एक पेंसिल छपी होती है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ एक बालक होता है और यहाँ एक बालक इसी पेंसिल पर बैठे होते हैं, ये इसका सिंबल होता है सर्व शिक्षा अभियान का, ठीक है। तो ये भी आप देखिएगा। आगे कहा जा रहा है एनपीईजीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री जो है लेवल होता है, ठीक है, ये भी आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अगला स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान भाई कब होता है ये तो आपको बखूबी पता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक होंगे तो आपके गांव घरों में आपके प्राथमिक विद्यालय के टीचर आते होंगे, या हर चाहे प्राथमिक विद्यालय चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट में तो आप खुद जाते हैं, उनकी गर्ज नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा एक बार प्रचार प्रसार कर देते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के टीचर स्कूल चलो अभियान को बखूबी निभाते हैं, ठीक है, आपने इस चीज को देखा होगा। आगे देखिए एक चीज आपने पढ़ा होगा, आपके ब्लॉक स्तर पर यह विद्यालय पाया जाता है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, है ना,
इसके बारे में भी आपको देखना है। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से पढ़ना है। अगला है ईसीसी कार्यक्रम, ठीक है। अगर हम ईसीसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करें आपसे, जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला आपका आ रहा है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, ठीक है। आज के समय में आपने, अगर हम बाल श्रम की बात करें, तो देखा होगा छोटे छोटे जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होती है, ठीक है, उनके घरों के बच्चे कहीं होटल में काम कर रहे हैं, कहीं किसी जगहों पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे केसेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक छोटे से बालक को मजदूरी वगैरह करा रहे हैं, तो ये बाल श्रम के तहत अपराध माना जाएगा, ठीक है, आप अपराध कर रहे हैं। तो हालांकि ये चीजें सबको पता है, ठीक है, इसकी एक निर्धारित एज होती है, जिसके अंतर्गत एक बालक अगर कहीं मजदूरी करता है तो मजदूरी कराने वाला ही उसमें पकड़ा जाएगा, बालक की क्या, बालक की तो वो तो मजबूरी, कम से कम आप समझदार हैं, है ना। चलिए, मध्याह्न भोजन योजना पोषाहार, इसके बारे में हम विस्तृत बताएंगे। आप सोच रहे होंगे भैया कब बताएंगे, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा यार, सारी चीजें आपको कंफर्म बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगला कहा जा रहा है मध्याह्न भोजन योजना पोषाहार वितरण, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना आपने देखा होगा, जैसे घंटे बजते हैं बच्चे प्लेट लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है। और यह इस योजना की बात करें तो तमाम अपवाद भी हैं, तमाम कोई भी योजना हो, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, है ना। लेकिन अब क्या कहा जाए, जो योजना चल रही है वो तो चलती ही रहेगी, छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो छात्रवृत्ति योजना है ये तो काफी बेहतर है, ठीक है। बाकी यहाँ आज आज आपने देखा होगा छात्रवृत्ति भी मिलती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी इनको मिलती है, और यहाँ देखिएगा इनको ड्रेस का भी वितरण किया जाता है, बच्चों है तो फर्नीचर की भी व्यवस्थाएं की जाती है, कहाँ, प्राथमिक विद्यालयों में। यहाँ सिर्फ प्राथमिक विद्यालय की ही बात हम कर रहे हैं, हालांकि प्राइवेट वालों तो अपनी फैसिलिटी पैसा लेके बढ़ाते रहते हैं, है ना। चलिए, ये आपका हो गया। बाकी अगर हम आपसे नीचे कहें तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा नीचे हमें लगता है कि हाँ बस इतना ही था, ये पूरा आपका सिलेबस था, ठीक है। तो आपने सिलेबस से बेहतरीन तरीके से परिचित हो गए होंगे। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स और आपका बचता है तो आप मेरे पास कमेंट करिएगा, जो है मैंने आपके बीच में नंबर भी दे रखा है, नंबर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर देखिए है 94 52 33 10 53, ये नंबर आपके लिए है, ठीक है, आप नंबर भी नोट कर लीजिएगा। आपको कहीं अगर डाउट्स हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट के साथ साथ आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, जहां भी आपको दिक्कत हो रही है। मेरी कोशिश ये है कि आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ पढ़ने वाला हर एक बच्चा अपने आप में ब्रिलियंट हो, ठीक है। तो ये इसी कोशिश के साथ अगर आप भी मेरे साथ टीचिंग कार्य में लगेंगे, अपना भी जैसे मैं 100% आपके बीच में दे रहा हूं, अगर आप भी मेरे साथ 100% देते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, मैंने आपसे कहा है, मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा कि हम सोच रहे हैं कि जिस तरह से आज ये मैटर आपके बीच में मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने कहीं अलग से नहीं लाया है, आपकी बुकों से ही है, ठीक है। यह बुक का पूरा पीडीएफ हम आपको पढ़ा दें, ठीक है, पूरा बुक साहित्य प्रकाशन हम सबसे बेहतर मानते हैं, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि साहित्य प्रकाशन की जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी एक एक करके एक एक पेज वाइज हम आपको बताते हुए चलें, ताकि कहीं कोई चीज छूटे ना। हालांकि एक चीज मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दिया था, भैया हमारे पास थोड़ा सा अभी टाइप वगैरह की सुविधाएं नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा बनकर रहूं, जो चीजें मेरे पास है मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी जो मर्जी हो, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो बिल्कुल आप साथ में जुड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ साथ अपना भी मैं 100% आपके बीच में दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। बाकी कहीं कोई डाउट्स है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।